हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो है प्लांट किंगडम का थोड़ा सा जो है वो मतलब क्लासिफिकेशन देख लेंगे एक ओवरव्यू में। बहुत शॉर्ट सी क्लासिफिकेशन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्लांट किंगडम एकदम बंदे को मेमोराइज हो जाती है। ठीक है, प्लांट किंगडम डिवाइडेड है दो में, क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको बोलते हैं एंड फेनिरोगैमी जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब नॉन फ्लावरिंग जिनको क्रिप्टोगैमी और फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको फेनिरोगैमी में आते हैं। ठीक है ना, ये नॉन फ्लावरिंग वाले क्रिप्टोगैमी जो हैं इनको तीन में डिवाइड करा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में क्या होता है कि प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है ना, तो इनमें आ गया जैसे एल्गी। ठीक है ना, हाँ एल्गी जो कि नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, दे लैक सीड्स एंड वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है, एल्गी में ये नहीं होते। दूसरा क्रिप्टोगैमी में आ जाता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है ये एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं विदाउट वास्कुलर टिश्यूज। एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइट्स थे लेकिन ब्रायोफाइट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, तो वास्कुलर टिश्यूज दोनों में नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ कॉमन है। अच्छा, ब्रायोफाइट की भी तीन आगे सब क्लासेस हैं, डिवाइड होता है कि लीवर वार्ट्स, हॉर्न वार्ट्स और मासिस। ठीक है ना, हाँ जैसे मार्कनशिया वगैरह इसमें आ जाता है, इसमें एंथोसरोस। ठीक है ना, इसमें मासिस वगैरह। तो हाँ, उसके बाद देखते हैं तीसरा आ गया टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये भी क्रिप्टोगैमी में नॉन फ्लावरिंग है। तो टेरिडोफाइटा जो है दीज आर एम्ब्रियो बेरिंग प्लांट्स, एम्ब्रियो होता है इनमें एंड कंटेन वास्कुलर टिश्यू एज वेल। और टेरिडोफाइट में ही वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पहले ऐसे प्लांट है क्योंकि ना ब्रायोफाइटा में ना एल्गी थैलोफाइटा में। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में ये फर्न्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे। अब देखते हैं फ्लावरिंग वाले की तरफ। फ्लावरिंग वाले जो हैं इनको फेनिरोगैम्स बोलते हैं, तो दो में डिवाइड हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स ये नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं, मतलब इनका सीड जो है नंगा होता है, मतलब कि उनके ऊपर सीड नहीं, वो कोट नहीं होता। ठीक है ना, और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें कवर्ड सीड होता है, मतलब फ्रूट के अंदर सीड होता है। ठीक है ना, तो इनमें मतलब डायरेक्ट सीड ही होता है। और एंजियोस्पर्म्स को दो में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलेडंस और डाइकोटिलेडंस वाले में। ठीक है, ये थी जनरल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।